कहते हैं कि विला यदि रोड के पास होता है तो कितनी सुकून भरी जिंदगी मिलती है, कितनी सुकून भरा अपना काम होता है। बिल्कुल ऐसा ही अपना ये विला है, रोड के बहुत नियर बाई है, मात्र 50 मीटर के डिस्टेंस पे है। डायमेंशन की अपन बात करेंगे तो 16x40 के डायमेंशन में रहने वाला है, या यूँ कहूँ कि आपका 70 गज में होने वाला है। फ्रंट एलिवेशन भी काफ़ी अच्छा कलर में, कलर कॉम्बिनेशन के साथ दिया गया है। हाथोस बस स्टैंड से बिल्कुल नियर बाई है, मेन रोड से 50 मीटर के डिस्टेंस पे हैं। अब अपन देखते हैं इसके फ्रंट एलिवेशन को। नमस्कार दोस्तों, मैं देशबंधु हाजिर हूँ आपके सामने अपने प्यारे से और नए से वीडियो के साथ अपने यूट्यूब चैनल SS होम्स में। फ्रंट एलिवेशन आपको दिखा दिया, अब देखिए आप ये पार्किंग स्पेस। पार्किंग स्पेस भी एक अच्छे स्पेस में आपके यहाँ दिया गया है, साथ में वाटर टैंक आपको यहाँ प्रोवाइड करके दिया गया है। मोटर के लिए भी एक्स्ट्रा स्पेस आपको यहाँ दिया गया है, साथ में मीटर के लिए यहाँ आपको बॉक्स लगा के दिया गया है। स्टेयर्स आपको बिल्कुल बाहर से दी गई है। रेंट आउट के पर्पज से जो भी देखते हैं तो एक अच्छा प्रोविजन है। साथ में अब आइए आप, अब अपन करते हैं अंदर का ट्यूर। स्पेस आपके अकॉर्डिंग, विला के अकॉर्डिंग स्पेस भी अच्छी साइज में आपको यहाँ दिया हुआ है। साथ में देखिए वॉलपेपर का और अपर वॉलपेपर का दोनों का कलर कॉम्बिनेशन आपको 4 सीलिंग के साथ में करके दिया गया है। टीवी पैनल आपको लगा के दिया गया है, लेट बाथ आपको यहाँ अलग अलग प्रोवाइड करवा के दिया गया है। फ्रेंड्स अपन ने टूर कर लिया अपने हॉल का, लेट बाथ का, अब अपन टूर करते हैं अपने किचन का। किचन का अपन टूर करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको वॉश बेसिन लगा के दिया जाएगा, इंस्टॉल यहाँ पे आपको वॉश बेसिन करके दिया गया है। किचन भी आपको एल शेप में यहाँ बना के दी गई है, और आपको स्लाइडर डोर्स आपको यहाँ लगा के दिए गए हैं। साथ में आपको अच्छे कैबिनेट्स यहाँ लगा के दिए गए हैं। साथ में आपको यहाँ विंडो दी गई है ताकि एयर की कोई प्रॉब्लम नहीं हो, सफोकेशन आपके यहाँ बिल्कुल भी ना हो। अब फ्रेंड्स अपने टूर कर लिया अपने किचन का, अब अपन टूर करते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम का। फर्स्ट बेडरूम की साइज़ देखिए, काफ़ी अच्छे स्पेस में आपको फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। साथ में आपको यहाँ पे वार्डरोब लगा के दी गई है, आपको यहाँ वार्डरोब लगा के दी गई है। साथ में आपको बैकयार्ड एरिया दिया गया है, बैकयार्ड एरिया भी आपको दिया गया ताकि अपने इस मकान में, आपके इस रूम में आपका एयर प्रॉपर यहाँ बनी रहे। फ्रेंड्स अपन ने टूर कर लिया अपने फर्स्ट बेडरूम का, अब अपन टूर कर लेंगे अपने सेकंड बेडरूम का। और सेकंड बेडरूम का टूर करने से पहले मैं आपको बता दूं, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाली हर एक नई प्रॉपर्टी आप लोगों तक हम पहुँचा सकें। तो फ्रेंड्स अब देखिए ये आ गया अपना सेकेंड बेडरूम। सेकेंड बेडरूम का भी आप देखिए स्पेस काफ़ी अच्छा है, सफिशियंट आपको स्पेस दिया गया है। साथ में वॉलपेपर एक अच्छी लुकिंग डिजाइन में आपको यहाँ लगा के दिया गया है। साथ में विंडो आपको यहाँ फ्रंट्स में दिया गया है। सामने 30 फीट रोड है, 30 फीट रोड पर आपको विंडो दिया गया है ताकि एयर और सनलाइट प्रॉपर आपके यहाँ आती रहे। फ्रेंड्स हमने टूर कर लिया अपने ग्राउंड फ्लोर का, या यूँ कहूँ कि अपने 2 रूम, लेट बाथ, किचन और हॉल का। अब अपन टूर करते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर का। तो स्टेयर्स मैंने आपको पहले भी बताया था, स्टेयर्स बाहर से आ रही है, यहाँ पे बाहर से स्टेयर्स दी गई है। साथ में SS की बेस्ट रेलिंग आपको यहाँ लगा के दी गई है। टफन ग्लासेस का यहाँ वर्क यहाँ दिया गया है ताकि प्रॉपर सनलाइट आपको यहाँ से आती रहे। अब अपन आ गए अपने फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर में पहले ही आप देखिए स्टेयर्स में आपको यहाँ स्पेस दिया गया है, जो कि अपने घरेलू सामान आराम से यहाँ अपन रख सकते हैं। अपना ये स्पेस एक यूजेबल स्पेस आपको दिया गया है। अब अपन आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे काफ़ी अच्छा स्पेस आपको यहाँ दिया गया है, साथ में ही आपको यहाँ लेट बाथ बना के दिया गया है। अब अपन आ गए हैं अपने थर्ड बेडरूम में। थर्ड बेडरूम की साइज़ भी आपको सफिशियंट दी गई है, काफ़ी अच्छी साइज़ यहाँ दी गई है। साथ में बालकोनी आपको यहाँ दी गई है, बालकोनी भी काफ़ी अच्छे स्पेस में आपको बाहर दी गई है। रोड से बिल्कुल नज़दीक है मकान, रोड से बिल्कुल 50 मीटर के डिस्टेंस पे आपका होने वाला है। अब अपन फाइनली करते हैं अपन प्राइस की बात। तो प्राइस से पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि डायमेंशन 16x40 के डायमेंशन में होने वाला है, 70 गज का है, रोड से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस या यूँ कहूँ 50 मीटर पे आपका होने वाला है। तो फाइनली प्राइस जब आप बात कर लेते हैं प्राइस की, मात्र 34 लाख रुपए में होने वाला है। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकॉन, जिससे क्या होगा कि आने वाले हर एक नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो आइए परचेज कीजिए, फिर मिलेंगे एक नए से और प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।